नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारे ऑर्नामेंटल प्लांट वांडरिंग जू को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये ऑर्नामेंटल होने के साथ साथ एक मेडिसिनल प्लांट भी है? जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अब थोड़ा सा हम शॉर्ट में ही इसको भी जान लेते हैं। आयुर्वेद में किडनी डिसीजेस को की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इसका बरसों से इस्तेमाल होता जा रहा है, और अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कुछ जगह पर इसका साग भी बनाया जाता है। इसकी बहुत सारी और भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जिसके लिए हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और आपको पता ही है कि हर पौधा एयर प्योरीफायर तो होता ही है। अब सवाल आता है कि ये इंडोर है या आउटडोर। तो ये सेमी शेडेड एरिया में रहने वाला बहुत ही प्यारा सा पौधा है। बहुत ज्यादा धूप में भी झुलस सकता है। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर में आप इसको रखेंगे तो भी ये खराब हो जाएगा, और अगर आप इसको 1-2 डिग्री या 4 डिग्री तक के टेम्परेचर में रखते हैं तो भी इसके खराब होने की संभावना बन जाती है। इसलिए इसको 25 से 30 के बीच का टेम्परेचर ही ठीक रहता है, और बहुत ज्यादा धूप में आप इसको ना ही रखें। जैसे कि आजकल हो रहा है, सर्दियां थोड़ी कम होती जा रही हैं, तो ये टेम्परेचर बहुत ही अच्छा है, इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है। वैसे इसे ब्राइट लाइट बहुत पसंद है, इंडोर तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इंडोर अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो आप इसे पानी में लगाइए। जैसे कि मैंने ये जो कटिंग है पानी में 2-3 दिन पहले ही लगाई थी, और इसमें आप छोटी सी रूट्स भी निकली हुई देखेंगे। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी टू ग्रो वाला प्लांट है, और आप इसे पानी में बड़ी ही आसानी से भी उगा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। पानी ज्यादा नहीं देना है। बीच में आप इसे जो है पानी, कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ का पानी जो है खारा होता है, तो उससे आपके जो पौधा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करें, इसमें कभी कभी जो है फिल्टर पानी देते रहें, जिससे कि इसको खारे पानी की जो समस्या है उसकी वजह से ये पौधा जो खराब होता है वो खराब भी नहीं होगा। आपको अपने पौधे में बिल्कुल भी एक्सेस में पानी नहीं करना है, और एक बार में ही पूरा पानी दे देना है। बार बार इसको पानी नहीं देना है, और पानी जो है आपका ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसकी खाद आप इसको कैसी दें। तो इसकी खाद आपको कैसे तैयार करनी है, लिक्विड आपको मैंने बताया ही है कि लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसमें दे सकते हैं। वैसे जो आप प्याज के छिलकों की खाद मैंने आप घर में बनानी सिखाई है, जैसे कि मैंने इसमें सारी वो खाद भी मिक्स कर दी है, और इसमें मैंने 30-40% ही मिट्टी रखी है। बाकी मेरी जो भी जिस भी तरह की खाद थी वो सारी की सारी ही मैंने इसमें एड ऑन कर दी है। और प्याज के छिलकों का आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी अगर इसमें 15 से 20 दिन में देते रहेंगे तो इसका जो है पत्तियों का कलर बना रहेगा, कलर कहीं नहीं जाने वाला। तो आप इस पानी को लिक्विड फर्टिलाइजर को जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्याज का होता है। रात भर आप प्याज के दो प्याज के छिलकों को भिगो कर रख दीजिए, और उसमें पानी डालकर आप उसे जो है इस पौधे में डाल सकते हैं। आप इसमें कोई भी खाद अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो ज्यादातर किचन वेस्ट की जो खाद मैं अपने घर में बनाती हूँ, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वही मैं इसमें डालती हूँ। और इसमें कुछ भी ज्यादा अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही हार्डी और बहुत ही रफ एंड टफ पौधा होता है। एक बार आपने अपने गार्डन में इसको ऐड कर दिया तो ये हमेशा बना रहेगा। बस इसकी कटिंग्स आप लगाते रहिए, जब भी ये थोड़ा अजीब सा हो जाए तो आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। मैं इसका पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करती हूँ मैं इसको बता देती हूँ। देखिए, मैंने इसमें राख भी ऐड की है, रेत भी ऐड किया है, और बहुत ही आपको नॉर्मल सॉइल रखनी है। बेल्ट्रिन सॉइल आपको इसको इसकी बनानी है, जिससे कि जो है पानी जो है ड्रेन आउट होकर निकल जाए। बिल्कुल लाइट वेट की मिट्टी आपको इसकी बनानी है, जो जिससे कि अगर आप बास्केट में इसको लगाना चाहते हैं तो बास्केट में हैवी मिट्टी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ मैं। इसलिए मैंने इसमें मूंगफली की खाद और सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और अब हम इसको जो है रेडी कर लेते हैं। इसके लिए बहुत ही छोटे से छोटे आप पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, और आप मिट्टी देखकर ही पहचान गए होंगे कि इसकी कितनी वेल ड्रेन मिट्टी है। मिट्टी तो इसमें मुश्किल से 30% है, बाकी इसमें सब कुछ जो है इसमें जो मेरी गार्डन सॉइल है उसमें मैंने जो है रेत काफी मात्रा में मिलाई है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 30% मैंने अगर मिट्टी ली है तो मैंने उसमें 60% रेत डाली है, बाकी मैंने ऊपर से खाद का यूज किया है। तो आपको मिट्टी ऐसी ही बनानी है, और ये पूरे साल आपको इसकी मिट्टी चेंज करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इसकी कटिंग्स का ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा फैला फैला सा और ये लगी सा हो गया है,
तो आपको टाइम पे इसकी कटिंग्स को लगा देना है। ये पौधा जो है अपनी स्टेम्स में पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए आपको इसमें पानी का खास ख्याल रखना है। इसे बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं करना है। जब भी दें दो चार दिन में तो पानी पूरा दे दें भर के, जिससे कि पानी ड्रेन आउट हो जाए। अब जान लेते हैं इसकी लोकेशन आपको कैसे रखनी है। तो मैं तो ज्यादातर इसको ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर छनी हुई धूप जो है आती रहे। ब्राइट लाइट इसको जरूर चाहिए, शेड में इसके जो पत्तों का कलर है वो चला जा सकता है। और अगर बहुत ही ज्यादा धूप में आप इसको रखते हैं तो भी ये जो है खराब हो जाता है। कलर तो इसका नहीं जाएगा धूप में, लेकिन अगर आप इसको अंधेरे में या कहीं ऐसी जगह पर इंडोर रखते हैं तो इसके पत्तियों का जो कलर है, जिसकी वजह से इसकी ब्यूटी होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसको लगाना कैसे है। ये देखिए, मैंने तो इसकी मिट्टी को जो है बहुत ही अच्छी तैयार कर ली है और मैंने इसकी कटिंग्स को जो है बहुत जगह पे लगाया है, इसलिए मैंने अच्छी खासी मात्रा में इसकी जो मिट्टी है वो तैयार की है। कोई भी पौधा होता है, अगर आप उसे सही लोकेशन में रखते हैं तो वो पौधा जो है ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है। तो इसलिए आपको लोकेशन ऐसी ही चूज़ करनी है। जैसे कि बास्केट में अगर आप लगाते हैं तो इनडायरेक्ट धूप ही उस पर लगती है, क्योंकि वो ऊंचाई पर लगा होता है और डायरेक्ट धूप कई बार उसमें नहीं लगती है, क्योंकि आप जहाँ पर उसे टांगते हैं वहाँ पर शेड तो ज़रूर होती है, इसलिए आपको इसे शेडेड एरिया में रखना है। अब जान लेते हैं, आप देखिए किस तरीके से मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ। इसको जो है आप दो तरीके से लगा सकते हैं। आप इसको पानी में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और ये देखिए मैं जो मैंने सॉइल तैयार की है उसमें मैं इसकी कटिंग्स को जो है लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारा बास्केट प्लांट है ये। आप इसे बास्केट में लगाएंगे तो इसकी बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तियां जो है इतने अट्रैक्टिव तरीके से लटक जाती हैं कि बहुत ही ज्यादा जो है आप जहाँ पर भी इसको लगाएंगे आप वहाँ की ब्यूटी को ये एकदम बढ़ा देगा। विंटर्स में थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है, फुल सनलाइट में आप इसको रखें, लेकिन कोहरे से और ओस से आपको इसको बचाना पड़ेगा। इसलिए मैं तो क्या करती हूँ कि इसको पॉलीबैग से ढक देती हूँ जब भी बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है, और दिन में वहीं टंगा रहने देती हूँ तो ये जो है अच्छे से चल जाता है। और आप इसे सर्दियों में बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बस आपको इसकी लोकेशन को चेंज करना होगा। तो इसलिए मैंने बास्केट में तो लगाया ही है इसको, मैंने छोटे से अलग से पॉट में भी लगा दिया है जिससे कि मैं इसे इधर से उधर रख सकूं। और बहुत ज़्यादा जगह चेंज तो किसी भी पौधे की नहीं करनी चाहिए, वैसे ये बहुत इसकी जगह जो है मैं चेंज कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। और कुछ पौधे होते हैं जो कि जगह बार बार चेंज करने से शौक में चले जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और एक बार आपके घर में आ गया तो आपके घर की ब्यूटी को जो है ये बढ़ाता रहेगा। और जो नेचर लवर्स हैं उनको ये प्लांट जो है बहुत सुंदर लगता है। और इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं दोस्तों, आजकल तो हर चीज़ की तरह तरह की वैरायटी आती हैं। और इसमें खुद ही देखिए कितने सारे कलर्स होते हैं, इसके पीछे से ये पर्पल होता है, आगे से ग्रीन और ब्राउन होता है, बिल्कुल अलग ही चीज़ है ये। That's it for today guys. I hope आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और जरा भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।